बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक ये टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। होट एसिडिक KMnO4 Na2Cr2O7 और कंसंट्रेट HNO3 आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बच्चों एल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सोडियम डाइक्रोमेट या फिर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, जिससे कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एल्काइल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने एल्काइल बेंजीन लिया हुआ है और ये हमने एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक Na2Cr2O7 इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और ये लेने के बाद आपको ये मिक्सचर जो है वो हीट करना पड़ेगा। इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इन दोनों को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इन दोनों में से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है सामने वाले सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये CH3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज जाएगा COH ग्रुप में और वाटर बाहर आ जाएगा। तो जब बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप लगा होता है तो वो कंपाउंड कहलाता है बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखिएगा एल्काइल बेंजीन को एसिडिक KMnO4 या एसिडिक Na2Cr2O7 या फिर कंसंट्रेट HNO3 लेके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बेंजोइक एसिड में। अगला पॉइंट लेते हैं बच्चों। नो मैटर हाउ लॉन्गर चेन अटैच टू द रिंग इट विल बी ऑक्सीडाइज ओनली टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फर्क नहीं पड़ता है कि बेंजीन के ऊपर जो आपने एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है वो कितना बड़ा है, लेकिन सिर्फ कन्वर्ट होके आपको देगा COH ग्रुप। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो पहले जो एग्जाम्पल है उसका नाम होगा इथाइल बेंजीन। आप देख पा रहे हैं पहले वाले में हमने मिथाइल बेंजीन लिया था, इसमें हमने इथाइल बेंजीन लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया है, पहले वाले में एक कार्बन कम था तो चेन बड़ी हो गई है। कंडीशन दोनों में से कोई एक कंडीशन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, या तो आप एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक Na2Cr2O7 या यहाँ पे K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इथाइल बेंजीन में इथाइल ग्रुप लगा था वो कन्वर्ट हो गया है COH में। तो आप कह सकते हैं कि इथाइल बेंजीन ऑक्सीडाइज हो गया है बेंजोइक एसिड में। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, यहाँ पे जो आपका एल्काइल ग्रुप था वो काफी बड़ा हो गया है, पहले वाले मिथाइल था दूसरे वाले मिथाइल है और यहाँ पे लग गया है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं। उसका एक नाम क्यूमीन भी होता है, ध्यान रखिएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। कंडीशन ऊपर वाली है तो हमने वही कंडीशन ली हुई है, यही कंडीशन आपको यहां पे यूज करनी है और इस कंडीशन में भी ये ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी बेंजीन के ऊपर एल्काइल चाहे छोटा लगा हो या बड़ा लगा हो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू COH ग्रुप में। अब यहां पे देखिए ये बेंजीन के ऊपर काफी बड़ा एल्काइल ग्रुप आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पूरा बड़ा एल्काइल ग्रुप है ये इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 या Na2Cr2O7 में से कोई एक लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, आप देख पा रहे हैं। और ये कंपाउंड आप जानते हैं इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। अब यहां पे एक पॉइंट है बहुत जरूरी, वो आपको याद रखना जरूरी है। अल्फा कार्बन ऑफ एल्काइल चेन और ग्रुप शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच एटम, अदरवाइज रिंग इज ब्रोकन। सर मुझे नहीं पता कि अल्फा कार्बन या अल्फा एच क्या होता है। तो बच्चों पैनिक मत होइए, ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग से जो अगला कार्बन होगा वो कहलाएगा अल्फा कार्बन। ये वाला बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अगर मैं इसमें जाता हूं तो बच्चों ये वाला अल्फा है और ये वाले जो है हमारे बीटा है, तो क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा कार्बन पे एक भी एच नहीं है। ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे एच है, तो ये अल्फा एच है लेकिन यहाँ पे अल्फा एच नहीं है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऐसा एल्काइल बेंजीन यानी कि बेंजीन पे कभी ऐसा एल्काइल ग्रुप लगाओ जिसमें अल्फा कार्बन पे एक भी एच नहीं है और आप उस कंपाउंड को, उस एल्काइल बेंजीन को इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ गर्म करेंगे तो वहां पे बेंजीन रिंग जो है वो आपकी टूट जाएगी।
क्लीव हो जाएगी। क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप एक जैसा ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन बेंजीन रिंग जो है वो टूट जाती है और कन्वर्ट हो जाती है COH ग्रुप में। और ये जो कंपाउंड है ये लेस स्टेबल होता है और ये फर्दर एक यहाँ पे कंडीशन लगी रहती है बच्चों, जैसे ये बनता है तुरंत ये आगे ऑक्सीडाइज होकर देता है हमारा एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर कोई आपने ऐसा एल्काइल बेंजीन लिया हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा ये दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में बनते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में आते पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है फर्क नहीं पड़ता, बस देख लीजिएगा कि उसमें अल्फा कार्बन पे एच है तो वहां पे वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा COH में। आप देख पा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है वो कितना बड़ा है या छोटा है, लेकिन अगर अल्फा कार्बन पे एक भी एच नहीं है तो रिंग जो है टूटेगा वहां से और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।